मैंने अपने बेटे को कहा ये बोर्ड्स पास कर ले, फिर तो ऐश ही ऐश है। चाय दे यार। हाँ, चाय चाय। अरे साहिल बेटा, क्या चल रहा है आजकल, क्या प्लान है आगे का? बस मीडिया स्टडीज और विजुअल आर्ट्स के फॉर्म्स भरे हैं, मैं ना कुछ क्रिएटिव करने का। क्रिएटिव? इंजीनियरिंग का क्या हुआ भाई? देखो बेटा, इन कोर्सेस के ना तो अच्छे कॉलेजेस हैं और ना ही इसका स्कोप है। अभी भी वक्त है, सोच ले अपने माँ बाप का पैसा फूटने से पहले। अंकल जी, सोच तो आपको लेना चाहिए अपने फ्री फंड की फालतू के एडवाइस देने से पहले। अरे इतनी आग तो टीवी सोप्स की वैम्प्स नहीं लगा दी जितनी आपने मेरी जिंदगी में लगा रखी है। वो याद है आपको मेरी फेयरवेल ट्रिप, बच्चा बिगड़ जाएगा करके कैंसिल कराई थी। अच्छा खासा घर वाले फोन लेके देते, पर नहीं, इसमें हम कैसे पीछे रह जाए। बोर्ड के टाइम पे बच्चों को कोई फोन लेके देता है? मम्मी को इतनी चिंता ना भाई की तबीयत की नहीं होती जितनी आपको मेरे करियर की है। घर में 5 इंजीनियर ऑलरेडी है, एक बच्चा कुछ और बन गया तो कौन सा आर्किमिडीज की रूह कांप जाएगी? ये आप जैसों की वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि अगर उनके माथे पे डॉक्टर या इंजीनियर का थप्पा ना लगा ना तो ना जाने उनका क्या होगा। और स्कोप की बात तो आप मत ही करो, आगे जाकर मैं राइटर, डायरेक्टर, डिजाइनर, एंकर कुछ भी बन सकता हूँ। वैसे भी जब मम्मी डैडी को कोई तकलीफ दी कि उनका लड़का इंजीनियरिंग करे, मीडिया पढ़े, या मैं कहता हूँ पापड़ बेचे, तो आप काहे की पंचायत बिठा रहे हो? ये तो आप बड़े हो तो मैं चुपू, वरना इतना लेक्चर तो मैं अपने आप करा लूं। सो फॉर द वेरी लास्ट टाइम, मुझे मेरा करियर खुद डिसाइड करने दो, वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि आप मेरे पापा के चाचा के मौसा के दूर के रिश्तेदार हो। अरे अंकल, मैंने मानव रचना में ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, उनका कैंपस भी बहुत अच्छा है और प्लेसमेंट भी काफ़ी बढ़िया है। वो आप ध्रुव को लेकर चले जाओ साथ, कुछ इंटीरियर डिज़ाइन और आर्किटेक्चर का कह रहा था ना वो, बताया नहीं उसने आपको कि इंजीनियरिंग नहीं करनी? ले, मेरे को तो फ़ोन किया था, मैं अभी पूछता हूँ। जबरदस्त।